हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेकिंग किसान यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो स्पेशल है जिसने वीवो कंपनी का मोबाइल फोन यूज़ करते हैं तो आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि फाइनली जिसने वीवो कंपनी का वीवो एक्स सीरीज का मोबाइल फोन, उसके बाद वीवो टी सीरीज का मोबाइल फोन, उसके बाद वीवो वी सीरीज का मोबाइल फोन यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप लोगों के लिए एक अच्छा गुड न्यूज है। और दोस्तों, जो गुड न्यूज है वो ये है कि फाइनली उस एक्स सीरीज, उसके बाद टी सीरीज, उसके बाद वी सीरीज का मोबाइल फोन के अंदर आ चुका है न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट, वो भी फंटा 14 की तरफ से, बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 14 का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट। तो इस सॉफ्टवेयर को कैसे अपडेट करना है एंड किस की मॉडल फोन के अंदर आप लोग ये न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट देखने मिलेगा, इन सॉफ्टवेयर का अपडेट करने का प्रोसेस क्या है एंड कब तक आप लोग इस सॉफ्टवेयर को देखने को मिलेगा आपका फोन के अंदर, सब कुछ मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर वन बाई वन डिटेल्स में एंड लाइव रूप से दिखने वाला हूँ। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग एंड बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिए। सो अपने चले वीडियो को शुरू करते हैं। तो फाइनल में आ चुका मैं मेरे मोबाइल फोन के स्क्रीन के अंदर, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो मोबाइल फोन का स्क्रीन के अंदर आने के बाद सिंपली ओपन कर लूँगा ट्विटर एंड ट्विटर का ऐप को ओपन करने के बाद अब यहाँ पर सिंपली ओपन कर लूँगा जो फंटा, जो इसका जो ऑफिशियल पेज है, ठीक है, ऑफिशियल पेज को सिंपली मैं ओपन कर लूँगा। अगर आप लोग चाहते हैं जरिए इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, और मेरा लिंक भी आप लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मेरा ये जो ऑफिशियल पेज है मेरा, ठीक है, तो मेरे पेज को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो मेरा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सारे पेज का लिंक आप लोग मिल जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते फंटा चॉइस, इसको मैंने सिंपली एक बार क्लिक किया एंड उसके बाद सिंपली एक बार क्लिक करने के बाद अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा कुछ मिनट पहले ये न्यू अपडेट आया है। सिर्फ यहाँ पर देख सकते हैं 3 आवर पहले, यानी 3 घंटा पहले इसको यहाँ पर अपडेट किया गया है, पोस्ट किया गया है उनका ऑफिशियल पेज के अंदर। यहाँ पर देख सकते फंटा जोइस, अभी यहाँ पर देख सकते उसका एक फोटो से यहाँ पर देखने मिल रहा है, ठीक है। फंटा जोइस 14 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 14 बेटा वर्सन रोल आउट टाइमलाइन यहाँ पर देख सकते हैं, फ्रॉम यहाँ पर मिड ऑफ अक्टूबर 2023 एंड X90 प्रो एंड X90, ठीक है। सबसे पहले जो मॉडल का फोन है वो एक सीरीज का फोन, जिसने वीवो X90 प्रो एंड वीवो X90 मॉडल का फोन यूज़ करते हैं, तो उस फोन के अंदर भी आप लोगों को सॉफ्टवेयर अपडेट देखने मिल जाएगा इस महीने का आप लोगों का बीच में, ठीक है। जैसे कि आज है 9 तारीख, ठीक है, तो आप लोगों को शायद 15 से 16 तारीख के अंदर आप लोगों को इस जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट देखने मिल जाएगा। अभी आप देखिए दूसरा जो फोन है वो है, अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वीवो X80 प्रो, इस फोन के अंदर अभी आप लोग को सॉफ्टवेयर अपडेट देखने मिल गया इस उसका नेक्स्ट मंथ के अंदर, ठीक है, मतलब ये जो आपका अक्टूबर मंथ चल रहा है तो नवंबर मंथ के अंदर आप लोगों को ये सॉफ्टवेयर अपडेट देखने मिल जाएगा। अभी चले तीसरा अपडेट, जो तीसरा जो मॉडल का फोन है वो है जिसने वीवो X80 एंड जिसने वीवो V29 प्रो एंड जिसने वीवो V29, V27 प्रो एंड वीवो V27, ये जैसे मॉडल के बारे में आप लोग बता रहा हूँ, ये मॉडल का फोन यूज़ करते हैं, तो इस मॉडल का फोन के अंदर आप लोग देखने मिलेगा सॉफ्टवेयर अपडेट दिसंबर मंथ के अंदर, ठीक है, ये प्रत्येक December 2023, ठीक है। तो अभी चलिए यहाँ पर जो सबसे लास्ट के अंदर जो है वो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको 2024 के अंदर ये न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिलेगा। तो ये अभी भी बहुत टाइम बाकी है, जिसने वीवो X70 प्रो प्लस एंड जिसने वीवो X70 प्रो एंड वीवो V29e एंड जिसने वीवो V25 प्रो एंड जिसने वीवो V25 एंड T2 प्रो 5G एंड Y100, ये मॉडल का फोन का जिसने यूज़ करते हैं उन लोगों को मिलेगा जनवरी मंथ के अंदर, यानी उसका नेक्स्ट ईयर के अंदर, ठीक है। तो अभी चलिए नेक्स्ट ईयर के अंदर और भी बहुत सारे मॉडल का फोन के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिलेगा, तो टाइम टू टाइम मेरा इस चैनल के अंदर आप लोग का अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए अब देख मेरे टेक्निक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट नीचे सब्सक्राइब का बटन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहला अपडेट मैं जितने सारे मोबाइल फोन के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट आता है तो सॉफ्टवेयर अपडेट रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप लोग को देखने मिलेगा मेरे इस चैनल के अंदर, ठीक है। तो अभी चलिए यहाँ पर देख सकते 2024 के अंदर जो मॉडल का फोन के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट देखने मिलेगा वो वन बाई वन मैं आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। तो ये देख सकते जिसने वीवो T2 5G, उसके बाद T2 EX, उसके बाद T1 प्रो एंड यहाँ पर T1 5G एंड Y100A, उसके बाद Y56 5G, ठीक है, इस मॉडल का फोन यूज़ करते हैं तो आप लोग को फेब्रुअरी मंथ के अंदर देखने मिलेगा, वो आप लोग को उसका नेक्स्ट ईयर के अंदर यानी नेक्स्ट साल के अंदर, ठीक है, 2024 के अंदर यानी 2024 के अंदर। अभी आपको 2024 के अंदर आप लोग को मार्च मंथ के अंदर देखने मिलेगा जिसने वीवो V23 प्रो एंड वीवो V23 5G एंड वीवो V23e 5G वाला मॉडल फोन यूज़ करते हैं तो आप लोग को देखने मिलेगा मार्च मंथ के अंदर, ठीक है, तो वो 2024 के अंदर। उसे यहाँ पर देख सकते अप्रैल मंथ के अंदर देखने मिलेगा 2024 के अंदर, तो जिसने वीवो X60 प्रो प्लस एंड जिसने वीवो X60 प्रो एंड जिसने वीवो X60 एंड जिसने वीवो Y75 5G, ठीक है, तो इस मॉडल के फोन के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट देखने मिलेगा। तो वो बहुत ज़्यादा टाइम है बाकी है, तो उससे पहले आप लोगों को वीडियो जरूर मिल जाएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। अब यहाँ पर देख सकते जिसने यहाँ पर वीवो Y36 एंड Y35 मॉडल का फोन यूज़ करते हैं तो उस फोन के अंदर भी आप लोगों को सॉफ्टवेयर अपडेट देखने मिल जाएगा, क्योंकि अप्रैल मंथ के अंदर 2024 के अंदर, ठीक है, तो वो मतलब बहुत देर की बात है।
तो अभी रिसेंटली जितना सारे फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट देखने मिलेगा, ठीक है, उसके बाद आप लोगों को वीडियो रिसेंटली मिल जाएगा। जब भी आपको सॉफ्टवेयर अपडेट के ऊपर कोई भी यहाँ पर नोटिफिकेशन या फिर अपडेट आता है तो सबसे पहले आप लोगों को वीडियो देखने मिलेगा मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो अभी सॉफ्टवेयर का अपडेट कैसे करना है, ठीक है, तो यहाँ पर एक उनका ऑफिशियल वेबसाइट है वीवो कंपनी की तरफ से, ये देख सकते हैं। फॉर मोर इन्फो vivo.com, तो इसके पास एक बार क्लिक करता हूँ एंड क्लिकने के बाद मैं आप लोग दिखा देता हूँ कि उनका आर्टिकल के अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं vivo 15 13, यहाँ पर देख सकते हैं उनका ऑफिशियल पेज मतलब ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो रहा है। एंड अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अभी यहाँ पर देख सकते हैं उनका ऑफिशियल वेबसाइट एंड यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर क्या है, मैं आप लोग को एक बार चेकआउट करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कोई अपडेट है या फिर नहीं है। तो सिंपली मैं यहाँ पर कुछ मोबाइल फ़ोन का डिजाइन वगैरह है और यहाँ पर क्या है और कुछ नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं वीवो का ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते फंटा जो स्पॉट इज स्मूथ एवरी टाइम, आप देख सकते मोर कलर मोर यू एंड उसका डिजाइन वगैरह आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते कितना अच्छा अच्छा लुक यहाँ पर देखने ले रहा है मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते 14 का जो लुक है काफ़ी अच्छे तरीके से उसका जो स्टाइल है वो यहाँ पर चेंज हो रहा है। और मतलब ये 14 का जो अपडेट है उस अपडेट को करने के बाद आप लोग इस तरीके से कुछ इंटरफेस दिखने मिलेगा। यहाँ पर देख सकते इस तरीके से आप लोग ने यहाँ पर जो पिक्चर क्वालिटी है वो यहाँ पर बढ़ा सकते हैं कमा सकते हैं। उससे यहाँ पर देख सकते नोटिफिकेशन बार आने मैसेज वगैरह जो करते रहते हैं तो वो भी यहाँ पर देख सकते स्क्रीन शॉट वगैरह कर सकते हैं। चैट वाइल बिंग वॉचिंग आप जाकर यहाँ पर वीडियो कॉल वगैरह करते रहते हैं। तो उसके बाद गूगल मैप वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं, एनिमेशन वगैरह एनिमेशन मदद से यहाँ पर देखने को मिल रहा है और कॉल वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं। एक साथ आप यहाँ पर जो यहाँ पर देख सकते कुछ यहाँ पर हिसाब वगैरह एंड यहाँ पर फोटोज वगैरह देख सकते हैं और भी अच्छा अच्छा यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर दिया हुआ है और देख सकते हैं, ठीक है। और ये सॉफ्टवेयर आप लोगों को सबसे पहले बीटा वर्जन के अंदर मिलेगा, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम दिखने नहीं मिलता है तो तब आप लोगों को फुल वर्जन का जो सॉफ्टवेयर अपडेट है वो देखने को फाइनली मिल जाएगा। सबसे पहले जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट आता है वो आप लोगों को बीटा वर्जन के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए आप लोग कहने का सिंपल आपका फोन का सेटिंग्स के अंदर जाना पड़ता है, ठीक है। एंड फोन का आपका मोबाइल फोन का सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आप लोगों को आपका वीवो फोन के अंदर एक सिस्टम अपडेट वाले एक ऑप्शन देखने मिलता है, जिस तरह वीवो कंपनी का मोबाइल फोन है, ठीक है। तो इस सिस्टम अपडेट वाले ऑप्शन के अंदर जाने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं शायद स्क्रीन शॉट के अंदर आप लोग यहाँ पर कुछ मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट का जो यहाँ पर फुटेज है वो देखने मिल रहा है, मैं आप लोग यहाँ पर दे रहा हूँ आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली सिस्टम अपडेट वाला ऑप्शन के जाने के बाद यहाँ पर चिकन सॉफ्टवेयर वाला ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। उससे आप लोग का जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट है वो देखने मिल जाएगा, उसका आप लोग फाइनली सॉफ्टवेयर अपडेट वाला ऑप्शन को क्लिक करके सॉफ्टवेयर का अपडेट कर लेने हैं, ठीक है। आई होप आप लोग सब कुछ समझ में आ चुका होगा। कोई भी सवाल जरूर नीचे कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बता सकते हो एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और चैनल पर नहीं हो तो फिर नीचे सब्सक्राइब का बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जो भी नई वीडियोस अपलोड करूंगा इस वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिलता रहेगा। सब चलो आज के इतना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक न्यू टॉपिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।